गरीब की रोटी। आ रहे हो? मैं लेडी कैसे ला। आज एक बार फिर हमारे साथ में यूपी टू गोवा है और आप मौसम देख सकते हैं, अच्छी खासी धूप है और इस धूप में जा रहे हैं इमरान भाई की तरफ। तो दोस्तों, हम रोज़ रोज़ यहीं का ब्लॉग दिखा दिखा कर हम खुद बोर हो चुके हैं, तो आप लोग क्या सोच रहे होंगे। तो हमने सोचा है कि क्यों ना यार हम बाहर निकले, थोड़ा एक ही दो दिन के लिए निकले। तो संडे को हमने प्लान किया है कि हम नेपाल जाएंगे और ये भी सुना है कि नेपाल करीब 8 से 10 दिन के अंदर फिर से बंद होने वाला है। तो उससे पहले हम नेपाल का ट्रिप कराएं एक दो दिन के लिए, क्योंकि बाइक तो जा नहीं पाएगी, मुझे बस से ही जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी परेशानी हमारी यही है। हम नेपाल का आप लोगों को ब्लॉग बहुत जल्द दिखाने वाले हैं। तो फिलहाल अभी इमरान भाई की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर क्या काम है, क्या दिखाने वाले हैं वो चल के हम आपको दिखाते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राइडर UP 47 में। तो चलते हैं और यूपी टू गोवा और हम दोनों मिलकर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चल रहे हैं दोस्तों, और आज का वीडियो काफ़ी अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा मुझे लगता है। तो बस आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो से और वीडियो को अंत तक एंजॉय करिए और मजा लीजिए। ये आप देख सकते हैं, बृहस्पतिवार वाले दिन यहाँ पर मतलब काफ़ी हुजूम लगता है, मेले में ही नहीं और टाइम में भी। मतलब जैसे आज बृहस्पतिवार है तो इस दिन यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं अपनी मिन्नत को लेकर, माशाल्लाह उनकी मिन्नतें पूरी भी होती हैं। तो हमने ये भी आपको दिखा दिया है। और अब यहाँ से अभी हमारे सब्बू भाई आएंगे तो दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि यार किस लिए बुलाया है दोनों से और क्या आप लोग दिखाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो जब आ जाएंगे तब हम फिर आपसे बात करते हैं। जो लोग आना चाहते हैं वो मतलब आ सकते हैं, मेले के बाद भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बृहस्पतिवार वाले दिन मतलब फाटक खुलता है बाबा का। और आइए यहाँ पर और अपनी मिन्नतों को पूरा करिए, उनसे दुआएं करिए, हमेशा खुला रहता है बाबा का दरबार। भाई एक कमेंट आया है मेरे पास जिसमें हमने पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पर, गरीब की रोटी। सर ये रोटी अमीर भी खाते हैं, गरीब नहीं। बोलिए सर अपने आप को, आज तकलीफ है कल अच्छे दिन भी आएंगे, अल्लाह पर भरोसा रखिए। मैंने जवाब दिया है, अमीरों की रोटी पर चटनी नहीं होती, सिर्फ गरीबों के रोटी पर चटनी होती है, जिसे सूखी रोटी कहते हैं। तो दोस्तों बताइए कि मतलब जो बात मैंने कही है सही है या गलत है, इस पर कमेंट जरूर करिएगा मुझे। जिसका इंतज़ार था वो 2 घंटे के बाद आया है। टाइम हो रहा है 5:15। अब बताइए 5 बजे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब सब्बू भाई से ही पूछें। चाय पानी कर सकते हैं और क्या करेंगे, इसके अलावा और कोई काम नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा। तो समझो बेकार है आज का दिन। नहीं बेकार नहीं है, मैं सुबह बनाऊंगा। चलो आगे चल के देखते हैं अभी क्या। तो कहाँ पर चलेंगे भाई? सुगा नगर चलना है। चलो ठीक है, मार जाएगा तो 2 फाइट है ना यार, हमें ना मारा। दिमाग खराब है बे, वीडियो दो हमें पहले, ला जल्दी। 1 घंटा वीडियो बनाते देते रहे। कौन वीडियो तुम्हें चाहिए? वो जो शूट किया। चल आ थोड़ा ला। हां जल्दी ला। हंसा था इतना आई गंदे पूछो कहां जा रहे हो? गजब का सोचा है ना भाई, हंसा था तब परेशान हो गया। बहुत गजब लोग कैसा रहे मार। आ रहे हो? आओ तुम कितना का भाई? आओ आओ आ जा, रुक जा बिटावन, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। पहलवान हूं तुम्हें पहले ही बता। हम पहलवान नहीं हुए, हम किसान हुए। चल किसान हुआ, चलाओ किसाने उसाने सब ना लड़के चला। आओ आओ ज्यादा लेट आने के उसमें सब्बू भाई की तरफ से चाय पिए।
इंजॉय करें फिर घर चलें। मजा तो यही आता है चाय पीने में। सारे दोस्तों ने कर दिया झोल बुलाकर यहाँ पर, तो अब यहाँ से मुझे वापस जाना पड़ेगा घर के लिए। कुछ काम था नहीं, बस ऐसे मिलने के लिए आए थे। तो दोस्तों वीडियो आज की हमारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। बाबा जलाली साहब बाबा के दरगाह पर हैं और बाबा जलाली साहब बाबा से हम दुआ कर रहे हैं कि कुछ निगाहें करम कर दीजिए जिससे हमारा चैनल ग्रो कर जाए और हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आए, लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बस और कुछ नहीं मांग रहा है। एक बार फिर मैं बाबा का जियार करा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये देख लीजिए हमारे बाबा जलाली शाह बाबा का मजार। तो दोस्तों अब यहाँ से हम चल रहे हैं घर के ओर। ये हमारे मुजीब भाई जब से गोवा से आए हैं काफ़ी साथ दे रहे हैं हमारा, जहाँ भी हम जाते हैं ब्लॉगिंग करने के लिए हमारे साथ चलते हैं, हम खुद इनको लेकर जाते हैं। एक दो दिन और ये रहेंगे गांव पर, उसके बाद में जाने वाले हैं गोवा। तो भाई जब तक साथ में है साथ में ब्लॉगिंग करेंगे हम, उसके बाद में फिर गोवा जाएंगे तो फिर अकेले ही मुझे ब्लॉगिंग करना पड़ेगा। तो चल रहे भाई घर, और आप भी जाइए घर, फिर मिलते हैं। यूपी टू गोवा आप लोग जानते ही होंगे, जाइए वहाँ पर भी इनके वीडियो को विजिट करिए और देखिए, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग इनके आते हैं। और आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए